ताऊजी की बैठक। बैठक कहीं भी जम जाया करती थी। फर्क सिर्फ इतना था, जब वह घर में जमी होती थी तो मैं और मेरा छोटा भाई चुपचाप कोने में बैठ उसका रसा स्वादन करने के अधिकारी थे। शर्त सिर्फ इतनी थी कि किसी प्रकार की टीका टिप्पणी का अधिकार हमें नहीं था। घर के भीतर जाकर चाय के लिए कहना, चाय की प्यालियां मेहमानों को देना और फिर खाली प्यालियां वापस घर के भीतर रख आना, ये सब हमारे कर्तव्य थे। ऑफिस से घर वापस आते आते सामने के बिजली के खंभे के पास ताऊजी का अटक जाना और फिर वहीं खड़े खड़े बैठक जमा लेना, ऐसे दृश्यों का रिटेक प्राय होता रहता था। शाम के 5 बजे की घड़ी की सुइयों का दौड़ते दौड़ते रात्रि के 10 पर पहुंचकर ऊंघने लगना और फिर धीरे धीरे बैठक में शामिल लोगों का एक एक कर खिसकने लगना, इन अनमोल क्षणों के हम अनेकों बार गवाह रहे थे। चाय चढ़ती, ताऊ जी आ गए हैं, घर के सामने ही हैं। चाय ठंडी हो रही है क्योंकि अभी तक घर के भीतर नहीं आ पाए हैं। फिर गर्म की जाती थी कि बस आते ही होंगे, आज उन्हें बाजार भी तो जाना था। लेकिन अब तक बैठक का कोरम पूरा रहता, मजाल थी कि ताऊजी घर के भीतर आ जाते, सलामत रखे उनके मुरीदों को जो उनकी बैठक आबाद किए हुए थे। कुछ मुरीद मजबूर थे, उन्हें ताऊजी से कुछ काम था, कुछ उनके एहसानों तले दबे थे, और बैठक में उपस्थित होना अपना पुनित कर्तव्य समझते थे। कुछ अधीनस्थ कर्मचारी थे जो इसे अपनी ड्यूटी का अभिन्न अंग मान बैठे थे। कुछ ताऊजी की नस्ल के बैठक बाज थे जो इस कला को सीख रहे थे, जिससे आगे चलकर अपनी खुद की बैठकें जमा सके। आज मैं समझता हूँ कि जरूर किसी हकीम ने ही ताऊजी को सलाह दी होगी, पाल ले एक रोग नादा जिंदगी के वास्ते। बैठक बाजी के रोग ने उन्हें बुरी तरह घेर रखा था, किंतु वही उन्हें जिंदा दिल भी बनाए हुए था, वरना उनकी जिंदगी जिन तूफानों से गुजरती थी उनसे पार पाना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं था। वे धन्य हैं जिन्होंने ताऊजी की बैठक की शोभा बढ़ाई, और जिन्होंने जानबूझकर उससे भागने की कोशिश की उनके लिए भी कहा गया है, बैठक से भागे फिरते हो, वैकुंठ को तुम क्या पाओगे, इस बैठक में तुम जा ना सके उस बैठक से निकाले जाओगे। बैठक कब होनी है, किस विषय पर चर्चा की जानी है, यह सब कुछ अनिश्चित रहता था। बातचीत नेहरू की कूटनीतिक सफलताओं असफलताओं से शुरू होकर कब और कैसे कुत्तों की बुलडॉग नस्ल की ओर मुड़ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। त्रिपाठी जी बुलडॉग की खूबियां गिनाते गिनाते स्वयं का मुंह बुलडॉग जैसा क्यों बना लेते थे, यह हमारे लिए अंत तक रहस्य ही बना रहा। ताऊजी का इस विषय में दखल कुछ कम हो रहा होता, अतः वह देसी कुत्तों का महिमा मंडन करते दिखते थे। लेकिन त्रिपाठी जी भी पूरे घाघ थे, वह शाम धाम दंड भेद सभी का प्रयोग कर ताऊजी के विषय परिवर्तन के प्रयास को निसफल कर देते। द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चिल की सफलता का राज उनका बुलडॉग कुत्ता था। इस रहस्य का उद्घाटन प्रथम बार इसी बैठक में हुई चर्चा के दौरान हुआ था। त्रिपाठी जी के अलावा इस बैठक में एक अन्य नवरत्न चचा फाजिल भी रहे थे। जब से हम उन्हें जानते थे यही सुनते आ रहे थे कि उनके पास एक लल्लन टॉप ड्रामे की स्क्रिप्ट थी जिसे सिर्फ ताऊजी ही डायरेक्ट कर सकते थे। ड्रामे डायरेक्ट करने का ताऊजी का लंबा तजुर्बा था, जिसमें हर किरदार को इम्प्रोवाइजेशन की खुली छूट हुआ करती थी। कभी कभी वह स्वयं भी छोटे मोटे हंसी मजाक वाले किरदारों में रंगमंच पर आ जाया करते थे। सिर्फ एक ड्रामा मुझे याद पड़ता है, डायरेक्टर का बाप, जिसमें ताऊजी ने स्वयं मुख्य भूमिका निभाई थी। खैर जाहिर है चचा फाजिल वाले ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ने और उस पर काम करने के लिए सभी नवरत्न लालायित थे। उस ड्रामे की स्क्रिप्ट को ना तो कभी पेश किया गया और ना ही कभी सुनाया गया।
लेकिन जब भी कभी अच्छे ड्रामे का जिक्र बैठक में होता, चचा फाजिल अपना चिराग रगड़कर उस ड्रामे का जिन वहां खड़ा कर देते। एक और नवरत्न जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वह थे मास्टर साहब। वह ताऊजी के उस्ताद रह चुके थे और दबंग शख्सियत के मालिक थे। ताऊजी उनका अदब करते थे। इन बैठकों में प्राय वह ताऊजी की बातों को काटने में सबसे आगे थे। इस तरह वह मौके पर अपनी उस्तादी का सिक्का जमाने का अवसर नहीं चूकते थे। विमल रॉय की मधुमती देखने के बाद बैठक में उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। सब विमल रॉय के कायल हो रहे थे कि क्या लाजवाब फिल्में बना रहे हैं। लेकिन मास्टर साहब दिलीप कुमार के मुरीद होते हुए भी विमल रॉय को नौसिखिया सिद्ध करने पर तुले हुए थे। मास्टर साहब शिकार के भी शौकीन थे और उनके इन एडवेंचरों में ताऊजी और चचा फाजिल साथी हुआ करते थे। ताऊजी के पास उनकी अपनी बंदूक न थी, वह बस साथ चलते थे, जिससे शिकार के किस्सों को नमक मिर्च मसाला लगाकर बयान किया जा सके। एक गोली से दो शिकार किस तरह किए जा सकते हैं और कैसे जब एक चिड़िया पर गोली चलाई गई और संयोग से बाघ मारा गया, ऐसे किस्से इतनी बार इस बैठक में सुनाए गए थे कि हमें आज तक मुंह जबानी याद है। इन किस्सों को अगर जिम कॉर्बेट सुन ले तो अवश्य ही अपनी कब्र से उठकर ताऊजी की तलाश में निकल पड़े। जौहरी साहब का जिक्र किए बगैर इस बैठक का पुराण या पारायण व्यर्थ है। वह उन शख्सियतों में से एक रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में ही बुजुर्गों वाला चोला ओढ़ लिया था। लगता है इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर पहले मनमोहन कृष्ण और बाद में हम सबके संस्कारी बाबूजी आलोकनाथ उनकी परंपरा की मजार पर क्षमा रोशन करते आ रहे हैं। लेकिन जौहरी साहब को अपने काले बालों पर सफेद चूना लगाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। पुराने माल के शौक ने उन्हें असमय ही बूढ़ा बना रखा था। आंखों पर पुरानी मुनीम जी स्टाइल नजर का चश्मा, सेकंड हैंड पुराने मॉडल का स्कूटर और बीवी भी उनकी पुराने मॉडल की सेकंड हैंड हुआ करती थी। बैठक में शामिल होने के लिए वह अपने इसी बाबा आदम के जमाने के स्कूटर पर आया करते थे। यदि बैठक 3 घंटे चली तो जौहरी साहब आधे घंटे बैठक में और 3 घंटे अपने स्कूटर की मिजाज कुर्सी में बिताते थे। हमारी जानकारी में स्कूटर कभी एक बार में स्टार्ट नहीं हुआ। जौहरी साहब जैसे ही बैठक में घुसते, हम वहां से 9-2-11 हो जाते। हमें पता था कि स्कूटर में धक्का लगाने की जरूरत पड़नी ही पड़नी है और इस बेगार के लिए हम ही पकड़े जाएंगे। जौहरी साहब ताऊजी के लिए पता नहीं कहां कहां से पुरानी ज्योतिष, अध्यात्म और जादू की किताबें खोज कर लाते, जिन पर बैठक में महीनों माथा पच्ची होती रहती। ड्रामे, शिकार, खेल, संगीत, फोटोग्राफी, ज्योतिष, अध्यात्म, जादूगरी और ना जाने किन किन विषयों में ताऊजी का अच्छा खासा दखल था। वह हरफन मौला व्यक्तित्व के धनी थे। बाबा अलाउद्दीन खां, सितारा देवी, ध्यानचंद बाबू, निराला टैगोर, हुडनी, पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, नेहरू, राजा जी, कृपलानी आदि नामों का जिक्र इन बैठकों में इस तरह होता था मानो ये सब इसी बैठक के शागिर्द हों। समय बड़ा बलवान होता है। धीरे धीरे बैठक की रौनक फीकी पड़ने लगी। ताऊजी को कैंसर हो गया था, उनको अपना अंत पता था। ठहाकों में अब वह चहक नहीं थी। बैठक के नवरत्न भी तितर बितर हो रहे थे। ताऊजी के जाने के बाद ये बैठक बंद हो गई। हम सब में वह दरिया दिली, जिंदा दिली, बेफिक्रानापन और वैसा हरफन मौला ज्ञान नहीं था जो बैठक बाजी की उस परंपरा को आगे बढ़ा पाते।
ये थी कहानी ताऊजी की बैठक, लेखक कमलकांत, जिसको आप सुन रहे थे राहुल जजोरिया की आवाज में। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।